दोस्तों इसी जगह पर जहां पर मैं फिलहाल खड़ा हूं, यहां पर दिव्या भारती खड़ी हैं दीवाना फिल्म में। दोस्तों इस जगह पर वो ऐसा खड़ी रहती हैं, वाइट कपड़े पहनी रहती हैं क्योंकि उनको वो फिल्म में वीडियो दिखाया गया है। सामने जो आप गार्डन देख रहे हो उधर, वो गार्डन पर वहाँ पर अपनी स्पोर्ट्स बाइक के साथ में शाहरुख खान सर खड़े हैं दोस्तों, और वो यहाँ से उनको देखती हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज इस वक्त पर हूं मैं दाना पानी पर। ये जो बंगलो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये बंगलो का नाम है पूना वाला बंगलो। दोस्तों ये बंगलो की खासियत मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप बॉलीवुड फिल्में देखते ही होंगे, बॉलीवुड फिल्मों की एक नहीं ना जाने कितनी सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है। मैं आपको ये साइड का और व्यू दिखाना चाहूँगा, ये चारों तरफ का आप देख सकते हो, यहाँ पर एक खूबसूरत व्यू है। ये मलाड में दाना पानी बीच पर एक फेमस बंगलो है, पूना वाला बंगलो। शाहरुख खान सर की जो फर्स्ट फिल्म थी जिसका नाम था दीवाना, तो दोस्तों जो दीवाना फिल्म में हीरोइन का बंगलो दिखाया गया है तो वो बंगलो भी यही है। मैं अभी आपको अंदर से वहां पर खड़ा होकर बताऊंगा कि बंगलो में जो गैलरी दिखाई गई है जहां पर हीरोइन खड़ी रहती है, और ये साइड में आके शाहरुख खान खड़े होते हैं। आप ये एक व्यू देख लो इधर का, ये जो आपको यहाँ पर गार्डन दिख रहा है, गार्डन के पीछे समंदर है। लेकिन फिल्म 1992 की है और अभी 2022 है, तो उस हिसाब से फिल्म को बनके 30 साल हो चुके हैं, तो 30 साल में इतना डिफरेंस तो आता है। आप एक बार इधर देखें, ये जो गार्डन है ये पहले गार्डन नहीं था। वो जो आप उधर गैलरी देख रहे हो, आपको अंदर से भी जाके दिखाया गया, वहां पर एक सीन रिकॉर्ड किया गया है मूवी के अंदर कि उस गैलरी में दिव्या भारती खड़ी हुई रहती हैं और वो दिव्या भारती यहां से देखती हैं और उधर शाहरुख खान सर खड़े रहते हैं अपनी पहली फिल्म में जिस फिल्म का नाम था दीवाना। तो दोस्तों दीवाना फिल्म के हिसाब से ये बंगलो 30 साल बाद मैं यहाँ पर हूँ फिल्म के हिसाब से। वो जब एक सीन और उसमें होता है कि मंदिर से दिव्या भारती आती हैं, शाहरुख खान सर उनका पीछे बाइक से पीछा करते हुए रहते हैं, तो वो अपनी बाइक यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर उनकी टैक्सी होती है और वो फिर यहाँ से अंदर जाती हैं दोस्तों। लेकिन मैं जैसे बताया कि जो गेट है, गेट चेंज हो चुका है, पहले ये वाला गेट नहीं था, पहले अलग गेट था, वाइट कलर का गेट था फिल्म में, और अभी जो गेट है आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये बंगलो पर मैं 30 साल के बाद हूँ फिल्म शूटिंग लोकेशन के बाद, एक फेमस फिल्म जिसका नाम दीवाना था जो अब से 30 साल पहले यहाँ पर शूट हुई थी, तो वो ये जगह है दोस्तों। आप देख सकते हो ये बंगलो है। उस फिल्म में बहुत सारे फाइटिंग के सीन लिए गए थे, मतलब जब शाहरुख खान सर के डैडी कुछ गुंडों को यहाँ पर भेजते हैं कि घर खाली कराओ वगैरह जैसे फिल्म में दिखाया गया, तो वो लोग इस जगह पर यहाँ पर फाइटिंग करते हैं और ये नारियल के झाड़ वगैरह दिखते हैं। अभी मैं आपको और भी अच्छे से वो करेक्ट पोजीशन दिखाऊंगा जहां पे दिव्या भारती खड़ी हुई रहती है। एक्चुअली बंगले में थोड़ा बहुत चेंजेस आ चुका है, 30 साल के बाद इतना चेंजेस आना बनता भी है, लेकिन फिर भी वो जो लकड़ी वाली गैलरी बनाई गई है वो लकड़ी आज भी है। मैं उसको खुद देख के सोच रहा था कि 30 साल में आज भी वो रेलिंग ऐसा ही है, वो गैलरी ऐसा ही है जहां पर वो खड़ी होके बाहर दिखती है, वो सफेद कपड़ों में खड़ी रहती है। तो उसको मैं आपको थोड़ा भी और करीब से दिखाऊंगा। आज एक्चुअली दिव्या भारती जी है भी नहीं है, लेकिन उनकी यादें बहुत सारे लोगों के साथ में, हमारे सबके साथ में जुड़ी हुई हैं। दोस्तों ये बंगलो मैं आपको बता चुका हूँ पूना वाला बंगलो है। दोस्तों ये जो रेलिंग आप मेरे पीछे देख रहे हो, बस यही जाली, इसी जाली पर दिव्या भारती फिल्म दीवाना में खड़ी हुई हैं जब वो मंदिर से आती हैं वाइट ड्रेस में, तो वो फिल्म को यहाँ पर सीन रिकॉर्ड किया गया था, फिल्म को वो सीन यहाँ पर दर्शाया गया था। दोस्तों आप पहले ये बंगलो का इधर से चारों तरफ का व्यू देखो कैसा है, इधर का भी ये देख लीजिए, और मालूम है फिल्म के अंदर यहाँ पर जो ये रेलिंग लगा हुआ है, तो रेलिंग के जब रेलिंग फिनिश हो रही है वहाँ पे दो ऐसा गोल्ड गोल्ड कलर का साइन भी लगा हुआ है, लेकिन अभी रेलिंग आज भी इतने टाइम के बाद भी जहाँ पर फिल्म में दिव्या भारती खड़ी हुई हैं वो जगह आज भी ऐसी है, वो रेलिंग आज भी ऐसी है। बस आप एक चीज़ का डिफरेंस देख सकते हो कि अगर आप देखेंगे वहाँ पर अभी ग्लास वाली विंडो लगा दी गई है, और जब फिल्म का सीन है तो फिल्म में वहाँ पर एक वॉल थी और बाजू में एक गेट था। अब 30 साल हो चुके हैं तो इतने टाइम में कुछ तो डिफरेंस करना ही पड़ता है। दोस्तों
इस फिल्म में जो दिव्या भारती खड़ी हुई हैं, ये यहाँ से खड़ी होके उधर देखती हैं, और ये जो आप मेरे पीछे गार्डन देखोगे, इधर का जो गार्डन है, ये गार्डन बना दिया गया है, पहले वहाँ पर एक ग्राउंड था। तो दोस्तों वो जो ग्राउंड था वहाँ पर अक्स वो जो ग्राउंड था दोस्तों वहाँ पर शाहरुख खान आते हैं, वो अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर खड़े रहते हैं, और वो यहाँ से ये गैलरी से उधर देखती हैं, और ये सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों इसी फिल्म के अंदर एक सीन और रिकॉर्ड किया गया है, जब शाहरुख खान सर के डैडी कुछ अपने आदमियों को भेजते हैं और उनका सामान अंदर से निकलवा के बाहर फेंकते हैं, तो ये वही जगह है जहाँ पर फिल्म दीवाना में उनका सामान घर के अंदर से निकाल के बाहर फेंका जाता है। दोस्तों 30 साल में बहुत ही चेंजेस हो चुका है, लेकिन ये लोकेशन पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज मैं पहली बार आया हूँ और ये फिल्म मैं बहुत सालों पहले भी देख चुका था, तो एक ऐसी जगह जो मैंने बहुत पहले देखी थी और आज भी मैं वहाँ पर हूँ तो कुछ अच्छा लग रहा है। ये स्टेयर्स था ना दोस्तों, जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पूना वालों बंगलों का इंटीरियर है। दोस्तों अब ये इंटीरियर आप थोड़ा सा चेंजेस देख रहे हो, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पर काम चल रहा है, आप उधर अगर कैमरा घुमा के दिखाएंगे तो कोई शूट होने वाला है इधर, उस हिसाब से थोड़ा चेंजेस किया जाता है। बट ये लोकेशन पर जो मेरा आने का रीज़न था वो ये था, अब से बनी हुई 30 साल पहले वाली फिल्म जिसका नाम दीवाना फिल्म था, तो दोस्तों उस दीवाना फिल्म में जो हीरोइन का घर दिखाया गया है वो यही घर है, वो यही इंटीरियर है। दोस्तों उसकी एक बड़ी पहचान बताने के लिए देखिए, ये जगह बहुत सारी फिल्मों में दिखाई गई है। दीवाना फिल्म में वो जब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, एक वाइट कलर का ये बॉक्स दिख रहा है, एक ये लकड़ी का बॉक्स दिख रहा है, इन बॉक्स के पीछे स्टेयर्स है, ये स्टेयर्स ऐसा जाके ऐसा हो चुका है, और ये स्टेयर्स कितनी सारी फिल्मों में दिखाई गई है। दोस्तों अभी हम दीवाना फिल्म को लेके समझेंगे। एक सीन है दोस्तों, उनकी मम्मी इधर बैठी रहती है, मतलब दिव्या भारती की जो सास दिखाई गई है वो इधर बैठी गई है, और हीरोइन उधर से आती है और इधर आके उनके पैरों में बैठ जाती है, और पीछे ये दिखता है। दोस्तों अभी चेंजेस को देखते हुए यहाँ पर वो जो ये बॉक्स बनाया गया है उसके नीचे स्टेयर्स दिख रही है, वहाँ पर स्टेयर्स अभी भी दिख रही है, बाकी ये साइड्स की और ये साइड्स की स्टेयर्स को पैक कर दिया गया है। तो दोस्तों पूना वाला बंगलो में ये जगह पर यहाँ पर वो सारे घर के अंदर के फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए गए थे। आप देख सकते हो कि इसको कोई दूसरा डिज़ाइन में तब्दील किया जा रहा है किसी एक न्यू मूवी के लिए, लेकिन आज भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये देख रहे हो आप, तो ये दिखाया गया है, यहाँ पे लकड़ी का बॉक्स रखा गया है, तो ये सारी जगह है जो दीवाना फिल्म की शूटिंग लोकेशन में दिखाई गई थी। दोस्तों आप यहीं पर खड़े हो के आप एक बार ये चारों तरफ का व्यू दिखाओ कि यहाँ से जो ये इंटीरियर के सामने से बाहर का व्यू कैसा है। ये सारा दोस्तों सीन रिकॉर्ड किया गया था अब से 30 साल पहले की फिल्म में। ये सेटअप लगाया गया है इधर, इसके पीछे यहाँ पे रेलिंग था, ये स्टेयर्स था। अच्छा जा सकते हैं कि बंद है? हाँ मैं तो चले जाऊंगा आराम से, ये लड़का नहीं जा पाएगा, मैं होके आ जाता हूँ। दोस्तों मैं वो स्टेयर्स पर जा रहा हूँ जिस स्टेयर्स से बड़े बड़े स्टार्स जा चुके हैं। आराम से आना भाई, लकड़ी वकड़ी मत गिरा देना, आराम से। दोस्तों किसी वक्त पे इसी स्टेयर से जहाँ से मैं चढ़ के आया हूँ, जहाँ से सर चढ़ रहे हैं, यहीं से दिव्या भारती उतरती हैं दीवाना फिल्म में, और यही वो स्टेयर्स हैं जो अब पूरी दुनिया में फेमस आप बोल सकते हो। जैसे कि आप जानते हो बॉलीवुड की फिल्म पूरी दुनिया में चलती हैं, तो ये वो जगह है। दोस्तों अभी मैं आपको और बंगले का व्यू दिखा सकता हूँ, आप वहीं पर बैठे हुए देख सकते हो। अच्छा ये देखिए आप, यहाँ पर ये बेडरूम बनाया गया है। दोस्तों ये वही बेडरूम है जो दीवाना फिल्म में दिखाया गया है, और अगर आप देखें यहाँ से तो मैं वही रेलिंग पर आ चुका हूँ। ये देखिए मैं वही जगह पर आपको खड़ा होकर दिखाऊंगा, इस जगह पर यहाँ
दोस्तों इसी जगह पर जहां पर मैं फिलहाल खड़ा हूं, यहां पर दिव्या भारती खड़ी हैं दीवाना फिल्म में। दोस्तों इस जगह पर वो ऐसा खड़ी रहती हैं, वाइट कपड़े पहनी रहती हैं क्योंकि उनको वो फिल्म में वीडियो दिखाया गया है। सामने जो आप गार्डन देख रहे हो उधर, वो गार्डन पर वहाँ पर अपनी स्पोर्ट्स बाइक के साथ में शाहरुख खान सर खड़े हैं दोस्तों, और वो यहाँ से उनको देखती हैं। अभी वहाँ पर एक्चुअली उसको गार्डन में तब्दील कर दिया गया है, वो टाइम पर वो ऐसे ही नॉर्मल ग्राउंड था और उसके पीछे समंदर का व्यू दिखता है। तो दोस्तों जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ 1992 में, यहाँ पर दिव्या भारती जी खड़ी हैं वाइट ड्रेस में। दोस्तों ये लोकेशन आप देख सकते हो, पूनावाला बंगलो मुंबई में मलाड में दाना पानी बीच के फ्रंट पर। एक बार आप इधर से पूरा बंगलो दिखाएं, इधर से कैसा बंगलो है। ये राउंड सर्कल जो आप देख रहे हो, ये गेट, ये गार्डन। आइए अभी मैं और भी आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। ये बेडरूम दीवाना फिल्म में हीरोइन का दिखाया गया है दोस्तों, और ये यहाँ से बेडरूम से उठ के वो वहाँ पर जाके रेलिंग पर खड़ी होती हैं और उधर शाहरुख खान सर खड़े होते हैं। आ जाइए मैं भी आपको और भी ये बंगलो दिखा देता हूँ, बंगलो कैसा है। अगर आप यहाँ पर शूटिंग करने भी आए तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है, कितनी सारी जगह है यहाँ पर। यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम किया जाता है। ये जो जगह आप देख रहे हो बंगलो का टेरिस बोल सकते हो आप इसको, सब टेरिस बोल सकते हो, काफ़ी बड़ी जगह है यहाँ पर। यहाँ से ये गेट दिखाया गया है और ये जगह आप देखो दोस्तों, काफ़ी बड़ी जगह है। बंगलो काफ़ी खूबसूरत है, पूनावाला बंगलो, मेन लोकेशन दाना पानी बीच मुंबई। इस तरफ भी बेडरूम है, अच्छा आ जाइए अभी। बहुत सारे फिल्मों में सीन दिखाए जाते हैं, कैमरे का एंगल उधर होता है और ये जगह दिखाई जाती है दोस्तों। बहुत सारी फिल्मों में ये जो रेलिंग को चेंज कर दिया गया है, पहले यहाँ पर लकड़ी का रेलिंग था, अभी ग्लास लगा दिया गया है। और इधर साइड में भी कुछ वैसा ही व्यू है और बहुत खूबसूरत व्यू है ये साइड का। देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत यहाँ पर बेडरूम बनाया गया है, और बेडरूम के बाहर अगर आप गेट खोलोगे तो रेलिंग भी है दोस्तों। ये ऐसी रेलिंग है जैसी आप बाजू वाले बेडरूम में देख के आए हो। देखिए कितना खूबसूरत है, यहाँ पर सिमिलर है लेकिन जो शूटिंग में यूज़ हुई थी वो साइड की रेलिंग थी, और ये वाली रेलिंग आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर ये बंगलों में आप देखो, यहाँ से एक खूबसूरत स्विमिंग पूल का भी व्यू है। यहाँ पर स्विमिंग पूल है और यहाँ पर बहुत सारी, बहुत बड़ा एरिया में ये बना हुआ है दोस्तों। ये लोकेशन यार आपको कैसी लगी, पूनावाला बंगलो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। मतलब मैं ये चाहता था कि आपको ये बंगलो मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ, अच्छे से वो सारी जगह दिखा पाऊँ जहाँ पर इतने बड़े बड़े स्टार शूट्स करके जा चुके हैं। और ये लोकेशन आप देखो जो आपने कभी पहले देखी थी बहुत टाइम पहले, उधर का दिखाओ वो सब व्यू। कौन सा ये न्यू पुना वाला, ये जो एरिया है ना, अच्छा अच्छा वहाँ पे रेडी पिक्चर जय हो। अच्छा दोस्तों सर ने बताया कि ये जो पार्ट देख रहे हो आप, इसको इन्होंने इसको न्यू पूनावाला बंगलो का नाम दिया गया है, और इधर खूबसूरत बंगलो के छोटे छोटे पार्ट बनाए गए हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे जय हो का कुछ फिल्म रिकॉर्ड हुआ है, रेडी फिल्म के कुछ सीन रिकॉर्ड। सर आइए ना, आप आइए ना प्लीज़, आप बताइए सर, आप बता पाएंगे? बहुत सारे सर, याद भी नहीं है। एक दो फिल्म का नाम और साउंड ट्रैक फिल्म का सीन रिकॉर्ड किया गया है। सर कोई स्विमिंग पूल दिखाया किसी फिल्म में? बहुत सारे मैं ढूंढ लूंगा, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, खाली आप नाम बताने का ट्राई करो। बॉस पिक्चर का जो बॉस आंटी पुलिस बुला लेगी जो गाना है वो इधर का है। अरे वाह भाई, बॉस फिल्म का आंटी पुलिस बुला लेगी में जो स्विमिंग पूल दिखाया गया है, मैं आपको वो ना फिल्म का एक स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा, तो वो ये स्विमिंग पूल दिखाया गया है दोस्तों, देख लीजिए। यार एक जगह पर कितनी सारी फिल्मों की शूटिंग लोकेशन मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट ये राजू सर को ही जाता है क्योंकि इन्होंने मुझे बोला कि आप बना सकते हो। थैंक यू सर वंस अगेन। जिया खान का जो गाना है, जो जिया खान का जो पहला पिक्चर था अमिताभ बच्चन के साथ,
जिया खान का जो पहला फिल्म था अमिताभ बच्चन, वो भी इधर ही रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा अच्छा दोस्तों, और भी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो सारी चीज़ें बता दूंगा। आप एक बार थोड़ा आगे आके ये पूरा एक व्यू रिकॉर्ड कर लो, फिर हम बंगलों के पास जाएंगे और वहाँ से स्विमिंग पूल को थोड़ा नीचे से भी दिखा देंगे। आप ये देखो, गैलरी भी काफ़ी बड़ा गैलरी है ये यार यहाँ पर। और ये देखिए गैलरी आज भी ये चेंज नहीं की गई है सर, ये इस चीज़ को चेंज नहीं किया गया है, ये वही पुरानी याददाश्त ताज़ा कर रही है, 30-30 साल पुरानी वाली। और ये भी चीज़ वही है, और ये जो आप ग्लास देख रहे हो विंडो, ये भी वही है, गेट भी वही है। फिल्म के हिसाब से कुछ थोड़ा पेंटिंग्स वगैरह लगा दिया जाता है जब उन लोगों को रिकॉर्ड करना होता है। यहाँ पर बेडरूम बनाया गया है, अग्निसाक्षी फिल्म में। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि रेलिंग वहां से नीचे नहीं दिख रहा था, आप इधर से देख सकते हो कि देखिए रेलिंग पूरा दिखाया गया है। ये देखिए ये रेलिंग है, तो ये रेलिंग्स बहुत सारी फिल्मों में दिखाई गई हैं। सर बता रहे थे कि अग्निसाक्षी फिल्म में नाना पाटेकर भी यही रेलिंग से चलते हुए उतरते हैं। हाँ, वो थोड़ा बदलाव आ चुका है। और यहाँ से फ्रंट व्यू है, लेकिन ये गेट चेंज कर दिया गया है। पहले ना बहुत पहले वाइट कलर का गेट होता था। अच्छा हाँ 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 सर, वो भी आपका ही एरिया माना जाता है क्या? शूटिंग के लिए। अच्छा हाँ हाँ, तो ठीक है। आप वो एक गेट देखें उधर, ये फ्रंट में जो गेट दिखाया गया है ना, पहले ऐसा ही गेट इधर लगा हुआ था। आप जब दिव्या भारती फिल्म में मंदिर से आती हैं तो वो यहाँ पर ही गेट के सामने उनकी गाड़ी खड़ी रहती है, और यहाँ पर वो वाइट कलर का गेट दिखता है, जैसा आप फ्रंट वहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों मैं इस जगह पर हूँ, और यार मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये बंगलों को एक्सप्लोर करके, पूना वाला बंगलों को एक्सप्लोर करके। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बंगलों आपको भी बहुत पसंद आएगा, इसकी लोकेशन के हिसाब से, इसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से, और इसके मैनेजमेंट के हिसाब से, कि इतना अच्छा मैनेजमेंट है जो सब इतना यू नो कि इतना फ्रीडम दे दिए हैं एक्सप्लोर करने के लिए, कि बहुत अच्छा लगा कि हम काफ़ी अच्छे से इस बंगलों को एक्सप्लोर कर पाए। थैंक यू सो मच गाइज़।